नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण व रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर जो बना होता है वो लगभग 70% जल का हिस्सा होता है और 30% ऐसे ही मांसपेशियों से बना होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो बच्चे का शरीर होता है उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। तो इसी तरह कुछ हम तथ्य बता रहे हैं, जैसे कि हमारा जो नाक होता है वो लगभग 50,000 से ज़्यादा तरह के गंध या सुगंध को महसूस कर सकता है। और इसी तरह जो हमारी आँख होती है वो लगभग अलग अलग अगर 1,00,000 तक प्रकार के रंग होंगे तो उनको पहचान भेद कर सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम गाना सुनते हैं तो वो गाना सुनते हुए जो हमारा हार्ट बीटिंग होता है उसी तरह से वो तरंग दैर्ध्य के रूप में बनने उसी तरह से अपने को नकल करने लगता है, इसलिए गाना वो अच्छे से आपको लगने लगता है। तो गाना अगर आप सुनते हैं तो उस समय आपके जो हार्ट बीटिंग होती है उसी तरह का नकल करने लगता है, जिससे गाना के अलग से अनुभूति एक अच्छी सी होने लगती है। दोस्तों, मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जब आप सो रहे होते हैं तो उसमें उस समय दिमाग में एक करंट पैदा होती है, जिससे अगर छोटा सा बल्ब जला जाए तो वो बल्ब जलाया जा सकता है। इतनी करंट होती है उसमें, दिमाग में चलती है, जब सोते समय हमारे दिमाग में करंट चलती है तो उस समय भी एक छोटा सा बल्ब भी जलाया जा सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लोहे की जो मात्रा होती है उससे एक छोटी सी 3 इंच की कील भी बनाई जा सकती है। उस हमारे शरीर से, मानव शरीर से एक लोहा निकाला जा सकता है जिससे 3 इंच की कील बनाई जा सकती है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मजबूत मांसपेशी होती है वह हमारे जबड़े की होती है, उससे ज़्यादा बहुत मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े की। दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशी होती हैं उनकी लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 1,00,000 मील होती हैं। मित्र, जैसे आप जानते हैं कि जब आप आधार कार्ड या किसी और काम के लिए ले जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट ले जाता है। दोस्तों, किसी भी तरह के मतलब जो इंसान कितनी भी ज़्यादा इंसान हो जाए, कितनी प्रकार, लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट, रेटिना प्रिंट और टेंगू प्रिंट नहीं मैच कर सकते। तो दोस्तों, ये पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे हम फिंगरप्रिंट या रेटिना प्रिंट या टेंगू प्रिंट से किसी एक इंसान को पहचान सकते हैं। अगर उसके कहाँ से किससे मतलब रिलेटेड है, किसका उसका जो जेनेटिक फादर है, उसको पहचानने के लिए DNA और RNA टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास प्रिंटिंग सिस्टम होती है, फिंगरप्रिंट, टेंगू प्रिंट या रेटिना प्रिंट, इसे किसी स्पेसिफिक पर्सन की पहचान आराम से की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मानव शरीर के कुछ बारे में रोचक तथ्य थे। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।